देखो, AS 12 करना है, गवर्नमेंट ग्रांट्स, मैं इसको 1 सेकेंड, इसको ना स्क्रीन साइज के बराबर कर देता हूँ। कोई AS 12 गवर्नमेंट ग्रांट। अभी गवर्नमेंट ग्रांट क्या होता है? गवर्नमेंट ग्रांट, ग्रांट मतलब क्या होता है? डोनेशन। गवर्नमेंट ग्रांट मतलब जो गवर्नमेंट हमें डोनेशन दे रही है। तो इसमें AS क्या करेगा? AS से ये सीखना है कि जो गवर्नमेंट ग्रांट है उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है। उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है मतलब क्या गवर्नमेंट ग्रांट इनकम है, क्या उसे इनकम रिकॉर्ड कर लूं, उसका बेसिकली नेचर क्या है, उसे कहाँ पे लेके जाऊं, क्या उसे इनकम रिकॉर्ड करूं, क्या उसे लायबिलिटी रिकॉर्ड करूं, क्या करूं। एंट्री तो बड़ी सिंपल हो जाएगी, बैंक टू गवर्नमेंट ग्रांट, पर फिर उस गवर्नमेंट ग्रांट को P&L में लेके जाए या बैलेंस शीट में लायबिलिटी में रखें, वो चीजें सीखने वाली। तो यही चीज AS 12 में डिस्कस होगी। अब गवर्नमेंट ग्रांट भी कई तरीकों का होता है, इसमें ना बेसिकली 3 पॉइंट डिस्कस करने हैं हमें। 3 पॉइंट में गवर्नमेंट ग्रांट खत्म हो जाएगा। वो 3 पॉइंट क्या है? सबसे पहला, वेन टू रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट ग्रांट, मतलब कब रिकॉर्ड करना है। सर जब मिल जाए तब रिकॉर्ड कर लो? नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं कि जब मिल जाए। सोचो अगर गवर्नमेंट, अब जैसे गवर्नमेंट के काम है ना, गवर्नमेंट ने आज बोल दिया कि आपको गवर्नमेंट ग्रांट देंगे, देते देते 3-4 साल लग गए, आप तो एक रूल बेस फॉलो करते हो। गवर्नमेंट ने तो, आप यू आर एलिजिबल फॉर द ग्रांट, तो उस हिसाब से तो हमें रिकॉर्ड अभी कर लेना चाहिए उसको। तो सबसे पहले ये चीज डिस्कस करेंगे। दूसरा डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। कितना? गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग। और थर्ड डिस्कस करेंगे रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। हालांकि ज्यादा ये कोई रिफंड देना नहीं पड़ता, पर किसी किसी केस में हमें रिफंड भी देना पड़ जाता है। तो रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट अगर हमें वापस करना पड़ जाए तो क्या करेंगे? यही 3 मेजर टॉपिक्स हैं इसके। तो ये लिख लो, ये 3 हेडिंग्स लिख लो, फिर एक एक करके हेडिंग्स डिस्कस करते हैं। लिख लोगे फिर बताना। लिख लिया? सर हो गया। ठीक है। तो सबसे पहले, वेन टू रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट कब हम अपने पास रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो दो दो पॉइंट्स देखने होते हैं। वो दो पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं वेन टू रिकॉग्नाइज, रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट, तो इसको रिकॉग्नाइज तब करना होता है जब हमें ये श्योरिटी मिल जाए। दो गवर्नमेंट ग्रांट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन, पहले लिख लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं। गवर्नमेंट ग्रांट should be recognized when there is reasonable certainty that
दो पॉइंट फुलफिल होने चाहिए। पहला, कंडीशंस रिलेटेड टू द ग्रांट विल बी फुलफिल्ड। और दूसरा एंड द अमाउंट ऑफ ग्रांट विल बी रिसीव्ड। मतलब जो अब क्या कंडीशन है, देखो जब गवर्नमेंट कोई ग्रांट देती है ना, सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट क्यों ग्रांट देगी। गवर्नमेंट इसलिए ग्रांट देगी, कई रीजंस हो सकते हैं। कोई एक सर्टन सेक्टर है जो कि, कोई एक इंडस्ट्री है जो कि स्ट्रगल कर रही है, स्ट्रगल कर रही है मतलब अच्छी नहीं चल रही, पर गवर्नमेंट चाहती है कि ये इंडस्ट्री प्रोग्रेस करे। जैसे कह सकते हैं इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग बेटर हो, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्रोग्रेस करे। पर अगर आज के टाइम पे वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें फाइनेंस नहीं मिलता, उन्हें कई चीजें जो चाहिए नहीं मिलती, तो इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें ये कर सकते हैं कि गवर्नमेंट उन्हें ग्रांट दे। पर गवर्नमेंट जब ग्रांट देगी तो उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी तो लगाएगी ना। जैसे गवर्नमेंट ने आपको ग्रांट दिया था इक्विपमेंट खरीदने के लिए, आपने उससे अपने पुराने लोन्स पे ऑफ कर दिए, तो ये गलत है। तो जब वो ग्रांट मिलता है तो गवर्नमेंट बताती है कि इस ग्रांट से आप क्या क्या कर सकते हो और क्या क्या नहीं कर सकते, और आपको उसी के हिसाब से फंक्शन करना होता है। और दूसरा, जब ये सर्टेनिटी हो जाए कि ग्रांट हमें मिलेगा, मतलब गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया कि मिलेगा, पर एक चीज समझो, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने आज बोला कि हाँ आप ग्रांट के लिए एलिजिबल हो और आपको मिलेगा, तो वो कल नहीं मिल जाएगा। गवर्नमेंट का काम है, कितना भी टाइम लग सकता है। पर जैसे ही हमें ये पता चल जाए कि जो ग्रांट की कंडीशन है वो फुलफिल हो जाएंगी, हम वो फुलफिल करेंगे कंडीशंस, और अमाउंट ऑफ ग्रांट जो है वो हमें मिलेगा, ये दो कंडीशंस जैसे ही फुलफिल हो जाती हैं हम ग्रांट को रिकग्नाइज कर लेंगे। पर सर एंट्री क्या करेंगे? क्योंकि नॉर्मली तो जब ग्रांट मिलता है तो एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिटेड टू गवर्नमेंट ग्रांट। यहाँ पे गवर्नमेंट ग्रांट तो मिला, बैंक तो डेबिट हो ही नहीं सकता, तो हम यहाँ पे एंट्री ये करते हैं। जब वो रिसीवेबल बेसिस पे हम एंट्री कर रहे हैं तो हम ये एंट्री करते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू गवर्नमेंट ग्रांट। और फिर जब वो मिल जाता है, जैसे ये 100 करोड़ का मिलना था हमें, जब ये एक्चुअली मिल जाएगा उस दिन क्या एंट्री करेंगे? ये अभी तो आपने रिसीवेबल की एंट्री की, जब मिल जाएगा फिर क्या करोगे? बैंक बैंक टू गवर्नमेंट, टू, गवर्नमेंट ग्रांट। तो वो तो गवर्नमेंट ग्रांट तो पहले ही तुमने आप रिसीव कर चुके। ए गलत, बैंक टू गवर्नमेंट इस ग्रांट चीज के लिए रिसीवेबल। मैं उसमें एडजस्ट कर देंगे ना सर। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू गवर्नमेंट ग्रांट रिसीवेबल। हंड्रेड करोड़, समझ गए? सबसे पहले यहाँ क्या किया हमने, ये कैसे एंट्री हुई सर? ये ऐसे हुई कि यहाँ आपने गवर्नमेंट ग्रांट रिसीवेबल को एक एसेट बनाया। एसेट बनता है तो डेबिट होता है। पर सर ये गवर्नमेंट ग्रांट का नेचर क्या है, ये नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट ग्रांट क्या इनकम है, क्या लायबिलिटी है, क्या है, वो नेक्स्ट में देखेंगे। पर जब ये आपको मिल गया तो ये एसेट आपने खत्म कर दिया, और बैंक आ गया तो ये वाला एसेट बढ़ गया। तो बड़ा सिंपल है गवर्नमेंट ग्रांट, ठीक है? ये दो कंडीशंस याद रखना, जब हमें पता है कि हम उन कंडीशंस के साथ कंप्लाई कर लेंगे, हम वो कंडीशंस फुलफिल करेंगे तब, और जब ये पहुंच जाए कि वो ग्रांट हमें मिलेगा, जो अमाउंट है वो मिलेगा, इन दो पे ही आप ग्रांट की एंट्री कर लोगे, चाहे अभी मिला या नहीं मिला। हम एक रूल बेस फॉलो करते हैं, यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि हमें ग्रांट मिलेगा, ठीक है? नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट क्या था? देखो फर्स्ट पॉइंट यही था,
इतने में गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉग्नाइज कर लेना है। पर सेकंड पॉइंट है कि ये हो गया अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। अब गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग कैसे करें, मतलब क्या एंट्रीज पास होंगी, कैसे बुक होगा, तो इसी के लिए वो पीडीएफ है जिसमें ये बना हुआ है। ये सेकंड पॉइंट पीडीएफ से कवर करेंगे। वो पीडीएफ का बुक में तो है ही, अभी के लिए ऐसा करो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और बुक में तो है ही, तो जब हम बुक में करेंगे तो उसमें तो साथ साथ हो ही जाएगा। अब देखो, सबसे पहले गवर्नमेंट ग्रांट को हमने दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है रिसीव्ड इन कैश, एक है रिसीव्ड इन काइंड। यहाँ तो समझ में आता है गवर्नमेंट ग्रांट हमें या तो कैश में मिल सकता है या काइंड में मिल सकता है। कैश में कैसे मिल सकता है? कैश में ऐसे मिल सकता है कि गवर्नमेंट ने आपको सीधा पैसे दिए हैं, और काइंड का मतलब पैसे ना दे करके, जैसे मेरी फैक्ट्री को मशीन की जरूरत थी तो सीधा मशीन दे दी, कोई चीज दे दी जो मैंने वैसे भी पैसों से खरीदनी थी। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। पहले हम रिसीव्ड इन कैश की बात करेंगे। ठीक, तो रिसीव्ड इन कैश में ऐसा है कि मेरे को रिसीव्ड इन कैश में वो फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो गवर्नमेंट मेरे को कैश में ग्रांट दे रही है वो पर्पस किसके लिए दे रही है ये भी गवर्नमेंट बताएगी। तो अगर तो वो मेरे को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए, देखो कैसे कैसे मिल सकता है, या तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए जिसे हम एक्सपेंस कहते हैं, मे बी आपको गवर्नमेंट पैसे दे रही है आपके डे टू डे वर्किंग के लिए, आपके पास पैसे ही नहीं है। कोई एग्जांपल, जैसे कई बार देखा है कि कोई बैंक या कोई एयरलाइन, पब्लिक सेक्टर की गवर्नमेंट की अपनी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रही होती है, एयर इंडिया के साथ स्पेसिफिकली हुआ, तो गवर्नमेंट उस एयरलाइन की हेल्प करने के लिए उन्हें पैसे देती है। वो उन्हें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए देती है कि आप अपनी सैलरी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंसेस, सैलरी, रेंट, ये सब डे टू डे खर्चे, वो कंपनी के पास उतने भी पैसे नहीं है तो गवर्नमेंट ने उन्हें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे दिया। एक सेकेंड, गवर्नमेंट ने उन्हें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसके लिए गवर्नमेंट ने उन्हें खर्चे, इसके लिए गवर्नमेंट ने उन्हें पैसे दे दिए कि आप अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करो। ठीक, उसके अलावा फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए भी गवर्नमेंट ग्रांट देती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब एसेट खरीदने के लिए कि आप एसेट्स खरीद लो अपने, जो भी उसमें आपको, एक सेकंड रुको इसको क्लोज करते हैं, जो भी आपको एसेट्स वगैरह चाहिए उसके लिए पैसे मिल रहे हैं, आप उससे एसेट ही खरीदोगे। उसके अलावा एक होता है इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, ये लास्ट में देखते हैं, पर सबसे पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे आते हैं। अगर गवर्नमेंट ने मेरे को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए पैसा दिया है तो मैं क्या करूंगा, तो मैं ये करूंगा कि सबसे पहले तो जैसे ही वो ग्रांट मिलेगा आप लायबिलिटी रिकॉर्ड करोगे। गवर्नमेंट ने बोला ये लो पैसे, ये ले लो आप 100 करोड़, ये आप अपनी सैलरीज पे कर देना। तो मैं कहा ठीक है, मेरे को मिला तो अभी मैंने सैलरी पे तो नहीं की ना, तो जब तक मेरे को नहीं, जब तक मैंने उस ग्रांट का यूज नहीं किया है, मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले उसे रिकॉर्ड कर लूंगा अपने पास, और मैं एंट्री क्या करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट का नेचर क्या रखूंगा, गवर्नमेंट ग्रांट का नेचर होगा लायबिलिटी। तो सबसे पहले अब हम इसको लिख लेते हैं, यहां से तो थ्योरेटिकली समझ आ जाएगा, प्रैक्टिकली व्हेन ग्रांट इज रिसीव्ड फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ये एक्सपेंसेस कहते हैं। ये सब अकाउंटिंग के अंडर ही है ना सर? सर मतलब अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट के अंडर ही है ना सब कुछ? हाँ हाँ, और क्या करा रहा हूँ मैं? नहीं सर, वो सुपर टॉपिक वो रिकॉग्निशन वाला था ना, तभी पूछा। कौन सा टॉपिक? वो आपने रिकॉग्निशन वाला लिखवा दिया गवर्नमेंट ग्रांट, अब ये सब अकाउंटिंग वाले के अंदर। क्या कह रहे हो तुम, मेरे को नहीं समझ आ रहा, मैंने क्या लिखवा दिया? सर तीन पॉइंट लिखवाए ना आपने, वो फर्स्ट पॉइंट पूरा हो चुका है। हाँ तो हो गया, बोला तो मैंने फर्स्ट हो गया, सेकंड पे है, फर्स्ट पेज में तो टिक किया। अब जब मेरे को गवर्नमेंट ग्रांट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए मिला, मतलब एक्सपेंसेस के लिए, तो जब वो मिलेगा तब आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू गवर्नमेंट ग्रांट। जितना भी 100 करोड़ मिला तो 100 करोड़,
यहाँ गवर्नमेंट ग्रांट का नेचर क्या है, याद रखना, गवर्नमेंट ग्रांट का नेचर है लायबिलिटी। तो अभी मैं इसे कहाँ लेके जाऊंगा, बैलेंस शीट में, लायबिलिटी में। फिर क्या हुआ, फिर मैंने एक्चुअली, मेरे को गवर्नमेंट ग्रांट रेवेन्यू सैलरी वगैरह के लिए मिला था, तो मैंने सैलरी पे करी, तो नेक्स्ट एंट्री तो मैं सैलरी पे कर दूंगा, दूसरी एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। अब मैंने सैलरीज यहां ले लेते हैं, ज्यादा पे करी हैं सैलरीज, मैंने 150 करोड़ पे करी हैं। क्या सैलरी का एक्सपेंस मेरी पॉकेट से हुआ है 150 करोड़? मैंने कितना एक्सपेंस किया है अपनी फिफ्टी पॉकेट से? फिफ्टी 50, बाकी का 100 कहां से आया? गवर्नमेंट ने दे दिया था। तो अब नेक्स्ट एंट्री में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो अब आप इस गवर्नमेंट ग्रांट को सैलरी के खर्चे से माइनस कर दो, मतलब आपके पास ना अब दो ऑप्शन है, ये दो तो आप एंट्रीज करोगे ही, पहले गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव करने की, फिर एक्सपेंस बुक करने की। पर उसके बाद थर्ड एंट्री में आप कर सकते हो, आप क्या करो, गवर्नमेंट ग्रांट से सैलरी का एक्सपेंस कम कर दो। तो गवर्नमेंट ग्रांट, अब वैसे भी गवर्नमेंट ग्रांट तो खत्म हो ही जाना चाहिए ना, अब वो रहना थोड़ी ना चाहिए। गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट कितना? 100 करोड़। या तो अब हम वो गवर्नमेंट ग्रांट से उस एक्सपेंस का अमाउंट रिड्यूस कर देंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है, गवर्नमेंट ग्रांट को पीएनडीएल में अदर इनकम में ले जाओ। इफेक्ट दोनों से सेम आएगा। कैसे, मैं पहले बता देता हूं दूसरा क्या कर सकते हो। या आप ये कर सकते हो, गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिटेड टू अदर इनकम, हंड्रेड सीआर। क्या सर इन दोनों ट्रीट प्रेजेंटेशन का फर्क है? नेट इफेक्ट सेम है। देखो, अगर आप अपनी सैलरी को पहले 150 करोड़ लिख के उसमें से 100 माइनस कर देते हो, सैलरी का एक्सपेंस कितना हो गया? 50 करोड़। इस एंट्री में मैंने एक्सपेंस ही रिड्यूस कर दिया, ठीक है। पर ये ना करके दूसरा ऑप्शन मेरे को क्या मिलता है, दूसरा ऑप्शन मिलता है कि आप उस गवर्नमेंट ग्रांट के अमाउंट को अदर इनकम में ले जाओ। नेट इफेक्ट तो वही रहा ना, तुमने सैलरी का एक्सपेंस लिख दिया 150 करोड़, अदर इनकम में डाल दिया 100 करोड़। तो नेट इफेक्ट तो यही हुआ कि एक्सपेंस बस 50 का हुआ, क्योंकि 100 करोड़ की इनकम भी तो डाल दी आपने। ये बात समझ में आई? किसी यस सर, को डाउट है इसमें? नो सर, ठीक है, एक बार देख लो सब, अगर इसमें किसी को डाउट है तो मेरे को बताओ। सर हो गया। ठीक है, ओके अब ये हमने कर लिया। ये तो था बस रेवेन्यू, जब आपको ग्रांट मिल रहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए, तो आपने ये एडजस्टमेंट, ये एंट्रीज करनी है, जो कि बड़ा सिंपल है। एक ही चीज करनी है, सबसे पहले उसे लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लो। जब तुम एक्चुअली वो पेमेंट कर रहे हो जो जिसके लिए वो ग्रांट, जिस एक्सपेंस के लिए मिला था, उस पॉइंट पे पहले तो वो एक्सपेंस बुक कर लो। एक्सपेंस बुक करने के बाद दो ऑप्शन मिलते हैं आपको, या तो आप एक्सपेंस का अमाउंट ही उस ग्रांट से एडजस्ट कर दो थर्ड एंट्री में, या फिर आप उस ग्रांट के अमाउंट को ले जाओ अदर इनकम में। बात एक ही है, प्रेजेंटेशन का फर्क है, जैसे करना है वैसे कर ले सकते हैं हम इसमें। यहाँ पे भी यही लिखा है, देखो, व्हेन रिसीव्ड ट्रीट एज लायबिलिटी अंटिल एक्सपेंस इनकर्ड, इसमें फर्स्ट पॉइंट यही लिखा है। उसके बाद क्या लिखा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में नीचे, व्हेन एक्सपेंस इज इनकर्ड देन ईदर ट्रांसफर ग्रांट टू अदर इनकम, और ये एक्चुअली यहाँ आया नहीं, और एक्सपेंस मतलब और रिड्यूस एक्सपेंस, या तो आप गवर्नमेंट ग्रांट से अदर इनकम में ट्रांसफर कर दो, या फिर उससे एक्सपेंस को रिड्यूस कर दो। ठीक, अब नेक्स्ट पे चलते हैं।
अगर मेरे को ग्रांट कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए मिला है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब एसेट, गवर्नमेंट ने मेरे को ग्रांट दिया और बोला कि इससे एसेट वगैरह खरीदना, तो उसमें भी दो केस हो सकते हैं। वो दो केस क्या हो सकते हैं, या तो मैं ग्रांट को यूज करूंगा डेप्रिशिएबल एसेट खरीदने में या नॉन डेप्रिशिएबल, मतलब ये भी गवर्नमेंट बताएगी कि आप इससे क्या खरीद सकते हो। डेप्रिशिएबल मतलब जिन पे डेप्रिसिएशन लगता है, जैसे जैसे कि मशीन, बिल्डिंग, जो अभी अभी हमने एस10 किया है तो हमें पता है मशीन, बिल्डिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब पे डेप्रिसिएशन लगता है। नॉन डेप्रिशिएबल उसके बाद डिस्कस करते हैं, पहले डेप्रिशिएबल डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें भी हमारे पास दो ऑप्शन है, वो दो ऑप्शन क्या है कि आप अपने एसेट के अमाउंट को कम कर दो उससे। मतलब पहली एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री ये होगी जैसे डिडक्ट ग्रांट फ्रॉम कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट एंड चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन बैलेंस अमाउंट। हम क्या कर सकते हैं, हमें मिला ग्रांट, तो अभी हम ऑप्शन वन की बात कर रहे हैं डेप्रिशिएबल एसेट्स में। गुड आफ्टरनून, डेप्रिशिएबल एसेट्स में ऑप्शन वन ये है, आपको ग्रांट मिला तो पहले एंट्री करो ग्रांट मिलने की, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट, जितने का भी ग्रांट है 100 crores। आपने जो मशीन खरीदनी है खरीदो, तो मशीन खरीदी, मतलब जो एसेट खरीदना है डेप्रिशिएबल, लेकिन एसेट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट कितना 150 crores। फिर से वही, अब आप क्या कर सकते हो, फिर से वही चीज की अपने ग्रांट से अपने एसेट की वैल्यू कम कर दो। क्यों, क्योंकि तुमने 150 करोड़ अपनी पॉकेट से थोड़ी खर्च किए, हमने कितना खर्च किया, हमने तो 50 करोड़ ही खर्च किया। तो जैसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कर रहे थे, एक ऑप्शन ये है, सेम यहाँ पे भी करो। तो हम इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसके बाद ऐसा कर दो, गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट 100 crores। ये और में क्या हुआ, ये ऑप्शन और है क्या सर, ये ऑप्शन वन है, ठीक है, मेरे को ग्रांट मिला, मैंने उस ग्रांट को एडजस्ट कर दिया, ऐसे रुकना, हाँ, तो हमने क्या करा है बेसिकली, यहाँ पे हमने ये करा है, पहले ग्रांट रिसीव करा, एसेट खरीदा, उसके बाद उस ग्रांट से एसेट की वैल्यू कम कर दी। ये तरीका आप कर सकते हो, देखो एक्सपेंस में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, एसेट में इससे ना एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्या क्रिएट होती है, आपके एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, एसेट की वैल्यू से कंपनी की वैल्यूएशन, एसेट की वैल्यू पे कंपनी की वैल्यूएशन डिपेंड करती है, तो कंपनीज को कई बार ये मेथड पसंद नहीं आता, वो कहते हैं यार हमारा एसेट ही बैलेंस शीट में 50 crores का दिखेगा, तो वो कहते हैं ये नहीं कुछ और तरीका बताओ। और इसमें इसके बाद क्या करना है, इस पे डेप्रिसिएशन कैसे लगाएंगे बचे हुए अमाउंट पे, जैसे ही आपने ग्रांट कम किया अपने एसेट में से, ये कितने का हो गया अब एसेट 50 ना, अब आप डेप्रिसिएशन 50 करोड़ पे कैलकुलेट करोगे, क्योंकि 100 करोड़ तो एसेट की वैल्यू आपने ग्रांट से एडजस्ट कर दिया है, समझ आया। अब यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है ऑप्शन वन, डिडक्ट ग्रांट फ्रॉम कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट एंड चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन बैलेंस अमाउंट। यहाँ पे लिखा है डिडक्ट ग्रांट फ्रॉम कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट, इसका क्या मतलब है, देखो अगर तो जब ग्रांट मिला और उसके बाद आप एसेट खरीद रहे हो, तो फिर तो जो कॉस्ट है उसी में से डिडक्ट कर दोगे, 100 crore का खरीदा था, 100 crore में से 150 crore का खरीदा था, उसमें से 100 crore ग्रांट था, तो एसेट 50 का हो गया, माइनस कर दिया। ये कैरिंग वैल्यू कैसे आ रहा है, मे बी आपको ग्रांट एसेट खरीदने के 4 साल के बाद मिले, सर ऐसे कैसे, गवर्नमेंट ने देना है ना, गवर्नमेंट ने बोला आप एसेट खरीदो हम ग्रांट दे देंगे, तुम गए शॉप पे जाकर के तुम एसेट खरीद लाए, अब एसेट खरीद लिया 150 करोड़ का, गवर्नमेंट कह रही है हाँ दे रहे हैं ग्रांट दे रहे हैं, तुम भी बैठे हो मिल रहा है, वो मिलते 4 साल हो गए, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है, लेट हो सकता है। अब तुम 4 साल का डिप्रिसिएशन नहीं लगाओगे, तुम क्या कर रहे हो, तुम कर रहे हो जब आपने एसेट खरीदा तब से लेकर के 4 साल तक डेप्रिशिएट करते रहे, फिर जिस दिन ग्रांट मिल जाए ना
उस दिन उसकी अब कॉस्ट तो बची नहीं, कॉस्ट तो है ही नहीं बैलेंस शीट में, अब तो जो कैरिंग अमाउंट है उसमें से ही लेस करेंगे। तो बात समझ में आई, अगर ग्रांट एसेट खरीदने के टाइम ही मिल गया है तो कॉस्ट में से डिडक्ट हो जाएगा, बाद में मिला है तो कैरिंग अमाउंट से डिडक्ट होगा। इसमें किसी को डाउट? नो सर। ठीक है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन हमें पसंद नहीं आया सर, इसमें तो एसेट की वैल्यू ही कम हो गई, हमें एसेट की वैल्यू कम नहीं करनी। तो दूसरा ऑप्शन एसेट की वैल्यू बिना कम किए ये होता है, पहले पढ़ देता हूँ उसके बाद समझाता हूँ। ट्रीट ग्रांट एज डेफर्ड इनकम, क्रेडिट टू डीजीजी एंड ग्रांट शैल बी अमोर्टाइज्ड इन द प्रोपोर्शन ऑफ डेप्रिसिएशन बीइंग चार्ज। अब इसका क्या मतलब है? देखो इसका ये मतलब है, आप दूसरे ऑप्शन में ये कर सकते हो, ऑप्शन 2, ग्रांट मिला, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, इसको क्रेडिट गवर्नमेंट ग्रांट में नहीं करना, इसको क्रेडिट करना है डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में। डीजीजी का मतलब डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट, हमें मिल गया ये 100 करोड़ का। ठीक है, ओके। फिर क्या करेंगे? एसेट खरीदो, तो एसेट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक 100 करोड़। ठीक, अभी इसको एडजस्ट नहीं करना आपस में, कर देंगे तो वो तो फर्स्ट मेथड ही हो गया, इसको ऐसे ही रखो। अब क्या करेंगे? अच्छा एक सेकंड, मैंने एसेट को भी 100 का ही लिख दिया, तो मैं एसेट को ना 150 करता हूँ, एसेट थोड़ा ज्यादा हो तो ही अच्छा है। अब क्या करना है? आप एसेट को डेप्रिशिएट करो, अभी आपस में एडजस्ट नहीं करना इसको, एसेट को ना डेप्रिशिएट करो। तो एसेट को डेप्रिशिएट हम मान लेते हैं हम 10% पर कर रहे हैं, 10% WDV पे। तो हम क्या करेंगे, अगले साल हम एंट्री मतलब ईयर एंड पे कर देंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट 10%, मतलब 15 करोड़। सर ये तो गलत है, अगर हम फर्स्ट मेथड फॉलो कर रहे होते, फर्स्ट मेथड में एसेट की वैल्यू आपने कितनी कर दी थी, माइनस कर दी थी ना, 50 करोड़ पे ले आए थे। अगर तुम फर्स्ट मेथड में डेप्रिशिएट करते तो P&L में कितना डेप्रिसिएशन जाता? 5 करोड़। 5 करोड़। इस मेथड में जा रहा है 15 करोड़। सर ये तो मतलब यहाँ तो एक्सपेंस ही बदल गया, पर नहीं, तो इस मेथड में हमने गवर्नमेंट ग्रांट को एडजस्ट भी नहीं किया है ना। आप क्या करोगे, जितना आप एसेट को डेप्रिशिएट कर रहे हो उसी परसेंटेज से गवर्नमेंट ग्रांट को भी P&L में भेजोगे। कैसे सर, क्या मतलब? देखो गवर्नमेंट ग्रांट 100 करोड़ का है ना, तो अगर एसेट को 10% डेप्रिशिएट किया है, गवर्नमेंट ग्रांट का भी 10% निकालो, कितना हो गया 10 करोड़। और इसे भी एमोर्टाइज करो, एमोर्टाइज यहाँ वर्ड यूज हुआ है, एमोर्टाइज, एमोर्टाइज का क्या मतलब होता है, इसे P&L में भेजो, और ये P&L में इन द फॉर्म ऑफ इनकम ही जा सकता है। हम यहाँ इसके साथ क्या करेंगे, अब मैं इसको शॉर्ट में DGG लिख रहा हूं, ठीक है, DGG अकाउंट डेबिटेड टू P&L अकाउंट, इसका 10%, 10 करोड़। ये मेरे को बताओ, ये एंट्री, ये इनकम जा रही है P&L में या एक्सपेंस जा रहा है? इनकम इनकम, क्योंकि P&L क्रेडिट हो रहा है तो इनकम जा रही है। नेट इफेक्ट देखो, आपने डेप्रिसिएशन P&L में डाला 15 करोड़ का, साथ में ही इस ग्रांट का 10% भी P&L में डाल दिया इन द फॉर्म ऑफ इनकम। नेट इफेक्ट में हमारा डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस 5 करोड़ ही हो गया। समझ आया? सर। तो सेम इफेक्ट है, पर ये प्रेजेंटेशन का डिफरेंस है। क्यों हमें दो, ये मतलब दो ऑप्शन आपके पास क्या है? देखो इस ऑप्शन के साथ है एक जेन्युइन प्रॉब्लम, मतलब ऐसे क्रॉस नहीं करना चाहिए, पर इसके साथ है एक प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम ये है कि आपके एसेट की वैल्यू ही आप पहले दिन ही रिड्यूस कर देते हो। अभी मैंने एसेट खरीदा था 150 करोड़ का, ठीक है, उसमें से 100 करोड़ गवर्नमेंट ने दिए थे, पर उसकी वैल्यू तो एसेट की 150 करोड़ ही है ना, उसको मैं माइनस करके 50 पे ले आता हूँ, तो मेरी कंपनी की वैल्यूएशन को भी इफेक्ट करता है वो। करने वाले लेकिन ये भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
ऑप्शन टू में क्या है, आपके एसेट की वैल्यू कंप्लीट दिखती है क्योंकि आप ग्रांट को उसके अगेंस्ट एडजस्ट नहीं करते। बात आती है कि जब ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो हम क्या करेंगे कि जितना एसेट है उसको जिस रेट पे डेप्रिशिएट कर रहे हैं सेम रेट पे गवर्नमेंट ग्रांट को भी पी एंड एल में डाल करेंगे, तो बात सेम रहेगी। अब मेरे को ये बताओ, ये 10% ना WDV था, WDV मेरे को ये बताओ नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन कितना जा रहा है पी एंड एल में, डेप्रिसिएशन पूछ रहा हूँ बस, इस मेथड में नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन कितना जा रहा है पी एंड एल में? 13.5 करोड़। और गवर्नमेंट ग्रांट कितना जा रहा है पी एंड एल में? 9 करोड़। तो माइनस मतलब 13.5 का मैं डेप्रिसिएशन डाल दूंगा, 9 की इनकम डाल दूंगा, माइनस हो करके 4.5 का नेट डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस गया। उस मेथड में देखते हैं, आपने 50 करोड़ कर दिया था मशीन की वैल्यू, 50 में से फर्स्ट ईयर में 5 माइनस हो गया, 5 माइनस होने के बाद मशीन 45 की बची और नेक्स्ट ईयर 10% 4.5। तो दोनों मेथड में डेप्रिसिएशन का अमाउंट तो सेम ही गया पी एंड एल में, प्रेजेंटेशन का फर्क है। ये आपके ऊपर है आप कौन सा चूज करना चाहते हो। मेरे लिए पर्सनली ये सेकंड ऑप्शन ज्यादा अच्छा है। फर्स्ट में प्रॉब्लम यही है अगेन कि आपके एसेट की वैल्यू कम करनी पड़ेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये हो गया हमारा डेप्रिशिएबल एसेट्स में दो केस। अगर आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिला है नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के लिए गवर्नमेंट ग्रांट मिला है, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट एग्जांपल लैंड, क्यों? क्योंकि उसकी यूजफुल लाइफ अनलिमिटेड है तो उसको डेप्रिशिएट करने का कोई सेंस नहीं बनता। अभी नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के लिए आपको मिला लैंड ही है बेसिकली, तो यहाँ पे दो चीजें हैं। गवर्नमेंट ने जब आपको वो लैंड दी तो कुछ सर्टन ऑब्लिगेशंस लगा दी उसके ऊपर, आपको लैंड नहीं दी सॉरी, आपको लैंड खरीदने के पैसे दिए और आपने उससे लैंड खरीदी, पर आपके ऊपर फिर ये रिस्ट्रिक्शंस हैं कि इस लैंड पे अगले 5 साल आप यही चीज मैन्युफैक्चर करोगे, इस लैंड पे अगले 6 साल आप सिर्फ यही काम करोगे, ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगा दी। तो एक केस है रिक्वायर्स फुलफिलमेंट ऑफ सर्टन ऑब्लिगेशंस, और दूसरा केस है कहीं ऐसी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। अभी बात करते हैं कि अगर ऑब्लिगेशन है, गवर्नमेंट ने मेरे को बोल दिया कि इतने टाइम यहाँ पे यही होगा, अब मेरे को क्या करना है? सबसे पहले फिर से मैं इसमें यही करूंगा कि सबसे पहले आप अपने इस ग्रांट को DGG बनाओ, ठीक है। यहाँ पे भी आप यही करोगे, अगर अगर कोई ऑब्लिगेशन है तो यहां लिखते हैं ग्रांट रिसीव फॉर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, इसमें फर्स्ट केस की ऑब्लिगेशन है, सेकेंड केस नो ऑब्लिगेशन, गवर्नमेंट ने कहा ये लो पैसे लैंड खरीदो जो करना है करो। तो ऑब्लिगेशन जब है तो उस केस में एंट्री कैसे होगी? ऑब्लिगेशन वाला केस डिस्कस कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले तो ग्रांट रिसीव करो, तो वो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू फिर से DGG, इसका नेचर लायबिलिटी, फिर आपने जो लैंड खरीदनी है नॉन डेप्रिशिएबल में लैंड हो गया, और दूसरा स्टॉक, स्टॉक भी एक नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है ना, आपने कभी इन्वेंट्री को डेप्रिशिएट किया नहीं करते। तो बैंक आ गया यहाँ पे और आ गया मेरा DGG। अभी ये DGG को पी एंड एल में तो भेजना है, पर कैसे? जितने टाइम की ऑब्लिगेशन है उतने सालों में, मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन लगी हुई है 10 ईयर्स की, कि 10 साल ये पर्टिकुलर चीज करनी है। क्या करना है ऑब्लिगेशन में वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कितने सालों की ऑब्लिगेशन है वो इम्पोर्टेंट है। और मेरे को ग्रांट मिला 100 करोड़ का, तो जितना ये ऑब्लिगेशन का टाइम है ना, मैं उससे डिवाइड कर दूंगा ग्रांट को, और हर साल उतना उतना पी एंड एल में इनकम में डालता रहूंगा। तो फर्स्ट ईयर के एंड में मैं कर दूंगा DGG अकाउंट डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट, कितना? 100 डिवाइडेड बाय 10, 1 साल का 10 करोड़ हो गया। ऐसे ही अगले 10 ईयर्स तक करूंगा मैं। लैंड खरीदने की एंट्री भी तो हो गई,
क्या? हाँ तो वो तो तुम्हें आती है ना, वो भी लिखो क्या, लैंड खरीदने की एंट्री। 10 ईयर्स तक हम ये एंट्री करते रहेंगे। सो लैंड खरीदने की एंट्री होती है लैंड अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ठीक है। स्टॉक भी खरीद सकते हो, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, क्योंकि वो भी नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है। ये चीज समझ में आई? ऑब्लिगेशन है तो यस सर। आप उसे, उसको जितने सालों की ऑब्लिगेशन है उतने सालों में डिवाइड करके हर साल उतना अमाउंट P&L में ट्रांसफर करते रहो। दूसरा, अगर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, अगर अब यहाँ पे वैसे क्या लिखा हुआ था, रिक्वायर फुलफिलमेंट ऑफ सर्टन ऑब्लिगेशंस, अमोर्टाइज ग्रांट ओवर पीरियड ऑफ फुलफिलमेंट, जितने सालों में आपको वो टाइम लगेगा वो ऑब्लिगेशन फुलफिल करने में। अगर कोई ऐसी ऑब्लिगेशन नहीं है तो क्या करना है, ग्रांट को सीधा कैपिटल रिजर्व में डाल दो, मतलब नो ऑब्लिगेशन। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू गवर्नमेंट ग्रांट हंड्रेड करोड़। नेक्स्ट, ये गवर्नमेंट ग्रांट को उठा के कैपिटल रिजर्व में डाल दो। गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, कितना इजी है। अभी देखो हमने क्या किया, तीन केस करे हैं। तीन केस क्या, अगर हमें कैश में मिल रही है ग्रांट, सबसे पहला केस जब कैश में मिल रही है ग्रांट तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस के लिए मिल रही है, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम अपने ग्रांट के अमाउंट को सबसे पहले लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे, जो एक्सपेंस करना है वो एक्सपेंस इनकर करेंगे, फिर उस ग्रांट को या टाइम तो पीरियड के साथ साथ डालते रहेंगे। आप उसको एक्सपेंस के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हो, एक्सपेंस ही रिड्यूस कर दो, या आप ग्रांट के अमाउंट को अदर इनकम में ले जाओ। बात एक ही है, प्रेजेंटेशन का फर्क है, नेट इफेक्ट सेम आएगा। दूसरा केस क्या है, जब हमने ग्रांट को लिया है तो हमें ग्रांट मिला है एसेट के लिए पर वो डेप्रिशिएबल एसेट है, तो आपके पास दो प्रेजेंटेशन के ऑप्शन है, ग्रांट रिसीव करो, एसेट खरीदो, और फिर उस एसेट के अमाउंट से ग्रांट के अमाउंट को रिड्यूस कर दो, और फिर जो अमाउंट बचता है उसको डेप्रिशिएट करो। अगर ग्रांट 3-4 साल के बाद मिला, एसेट पहले खरीद चुके हो तो एसेट को तो स्टार्टिंग से डेप्रिशिएट कर ही रहे थे उसी अमाउंट पे, उसके बाद जब ग्रांट मिल जाए तो उसकी कैरिंग अमाउंट में से अमाउंट को रिड्यूस कर दो ग्रांट के, और फिर बचे हुए अमाउंट पे डेप्रिसिएशन लगाओ। तो उसी टाइम मिल गया तो कॉस्ट में से ही रिड्यूस हो जाएगा, 1 साल 2 साल के बाद मिला है तो कैरिंग अमाउंट में से रिड्यूस हो जाएगा। ये एक प्रेजेंटेशन का मेथड है। दूसरा प्रेजेंटेशन का मेथड है कि आप ग्रांट रिसीव करो और उसे डेफर्ड इनकम बनाओ, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट बनाओ, एसेट खरीदो, एसेट को जिस रेट एडजस्ट नहीं करना आप उसमें, एसेट को जिस रेट पे डेप्रिशिएट करते हो उसी रेट पे उसी सेम परसेंटेज पे ग्रांट के अमाउंट को P&L में डालते रहो, तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट मैच कर जाएगा फर्स्ट मेथड में सेकंड में, पर दोनों में, एक में एडजस्ट हो रहे हैं दोनों आपस में, एक में दोनों, एक लायबिलिटी में ही दिखेगा एक एसेट में दिखेगा। डेफर्ड DGG का होता है बैलेंस शीट में लायबिलिटी, डेफर्ड इनकम्स लायबिलिटीज में होती है। फिर अगर नॉन डेप्रिशिएबल खरीदा है तो इसमें भी दो केस हैं, अगर उस पर ऑब्लिगेशन है या उस पर ऑब्लिगेशन नहीं है। उस पर ऑब्लिगेशन है तो जितने सालों की ऑब्लिगेशन है ग्रांट को उतने ईयर से डिवाइड कर दो और हर साल उतने अमाउंट को आप भेजते रहो अपने P&L में। अगर ऑब्लिगेशन नहीं है तो ग्रांट रिसीव करो और सारे के सारे अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में डाल दो। ठीक, ये केस हो गए। अब नेक्स्ट, ये यहां तक हो गया, कैश में ही हमें ग्रांट मिला है पर वो क्यों मिला है, एक सेकेंड इसको इरेज करने दो। कैश में ही ग्रांट मिला है पर क्यों मिला है, इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, ये क्या होता है सर? प्रमोटर कौन होता है, जिसने कंपनी स्टार्ट की, तो अगर गवर्नमेंट गवर्नमेंट ही आपकी कंपनी में ओनर बनना चाह रही है तो वो ग्रांट देगी। अब इस ग्रांट से आपको क्या करना है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो प्रमोटर, एज अ प्रमोटर, प्रमोटर समझते हैं हम जो जिस इंसान ने कंपनी शुरू की है,
अगर गवर्नमेंट प्रमोटर की कैपेसिटी में पैसा लगा रही है, आप उस सारे ग्रांट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। मतलब ये जो नॉन डेप्रिशिएबल के नो ऑब्लिगेशन वाला केस था जो अभी करा है ना, ये सेम यही करना है। अगर गवर्नमेंट प्रमोटर की तरह आपके आपकी कंपनी को ग्रांट दे रही है तो ठीक। तो ये तीन केसेस थे कैश वाले, ये चार्ट बुक में है, वहां से इजीली रिवाइज हो जाएगा। ये तीन केसेस हैं ठीक है, और वो तीन आपस फिर फर्दर थोड़ा डिवाइड होते हैं, पर मेन केसेस ये तीन है। फिर हम आ जाते हैं, अगर हमें ग्रांट मिल रहा है काइंड में, काइंड में मतलब गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही पर हमें जो चीज चाहिए वही दे रही है। गवर्नमेंट कह रही है आपको जो चीज चाहिए आप वो ले लो, तो हमें काइंड में मिली है, हमें ग्रांट काइंड में मिला, हमें सीधा लैंड ही दे दिया। यहां याद रखना इन केसेस में, इसको कंफ्यूज मत करना, अगर गवर्नमेंट लैंड ही दे रही है तो वो इस कैटेगरी में आएगा, अगर गवर्नमेंट पैसे दे रही है लैंड खरीदने के लिए तो वो यहाँ पे इस कैपिटल एक्सपेंडिचर वाले में आएगा ठीक है। ये ध्यान से देखना क्वेश्चन में कि आपको पैसे मिले हैं लैंड खरीदने के या आपको लैंड ही मिली है, दोनों बातें अलग हैं। तो अगर हमें काइंड में ग्रांट मिला है तो दो केस हो सकते हैं, या तो हमें फ्री में ही दे दिया, गवर्नमेंट ने ये लैंड ही दे दिया और बोला ऐश करो, पैसे मांगे ही नहीं, या फिर गवर्नमेंट ने हमें 10 करोड़ की लैंड बहुत सस्ते में 10 लाख में दे दी, कुछ भी जो भी है। एक केस है कि फ्री में मिल गया, एक है कि कंसेशनल प्राइस पे मिल गया कम पे। तो अगर तो फ्री में मिल गया तो सर फ्री में मिल गया तो एंट्री क्यों करेंगे, क्योंकि हमने तो पैसे दिए ही नहीं, तो अच्छी बात है, कुछ देना ही नहीं पड़ा तो एंट्री नहीं होगी। उसमें प्रॉब्लम ये है आपके एसेट्स में तो फिर वो एसेट कभी दिखेगा ही नहीं। हाँ वो फ्री का है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको आपने पैसे दिए ही नहीं है, पर आपके एसेट्स में तो दिखना चाहिए ना, चाहे फ्री का ही क्यों ना हो। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम उस एसेट को ना नॉमिनल अमाउंट 1 रुपी पे रिकॉर्ड कर लेंगे, 1 रुपए पे, तो वो एसेट भी दिखेगा और साथ में 1 रुपी भी लिखा हुआ है, तो एसेट दिख तो रहा है ना एटलीस्ट बैलेंस शीट में कि हमारे पास लैंड है ठीक है। और अगर वो कंसेशनल प्राइस पे मिला तो फिर तो जितने में मिला उतने पे एंट्री हो जाएगी, उसका एक्चुअल मार्केट प्राइस क्या था मेरे को मैटर ही नहीं करता। जैसे एक लैंड है, वो लैंड थी 10 करोड़ की, गवर्नमेंट ने मेरे को 10 लाख में दे दी या 1 लाख में दे दी, तो हम क्या एंट्री करेंगे, लैंड अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 1 लाख 10 लाख जितना जो भी अमाउंट था जो हमने पे किया। समझ में आया, ये दोनों केस बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है, डाउट है कुछ? नो सर ठीक है। ये था अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, ये सारे केसेस हैं, ये उन सारे केसेस में क्या करना है वो था। अब लास्ट केस, अब ये हमने दो कर लिए और अब लास्ट है रिफंड। ये रिफंड कहां से आ गया, पैसे मिल गए, मिले हुए पैसे वापस करने पड़ रहे हैं, ऐसा क्यों? देखो ये भी हो गया, अब बात करते हैं रिफंड। सबसे पहले रिफंड देना क्यों होगा, हमने बोला था ना कि गवर्नमेंट कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस लगा सकती है, तो जब तो ग्रांट मिलनी थी तब तो आपने कंडीशंस फुलफिल कर दी, पर ग्रांट मिल गई 2-3 साल के बाद आपने, वो आपको ग्रांट मिली थी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, फिर आपने वो पैसे निकाल करके पुराने लोन्स पे कुछ भी किया, तुमने जो कंडीशंस के अगेंस्ट चला गया, तो गवर्नमेंट बोल सकती है कि रिफंड दे दो, वापस करो ग्रांट, तुम तो इस लायक ही नहीं हो, तुम्हें कैसे दे दी हमने, तो डांट पीट करके तुमसे ग्रांट वापस ले रही है। अब इस केस में क्या करें, जो जो एंट्रीज करी थी उन्हें रिवर्स कर दो बस। इस बात का मतलब क्या है, देखो अगर आपको, अगर आपने यहाँ एंट्री करी थी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में पहले कि आपने ग्रांट रिसीव किया था और आप हर साल उस ग्रांट को अदर इनकम बना रहे थे, अब वापस करना पड़ रहा है ना, तो अब तुम क्या करोगे, उसे एक्सपेंस बना दोगे, एंट्री उल्टी कर दो, अब आप कर दोगे P&L टू बैंक, देनी पड़ गई। देखो जब जब ग्रांट मिली थी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के केस में आपने क्या किया था, उसे इनकम बना दिया था ना, अब जब वापस करनी पड़ रही है तो एक्सपेंस बना लो। अगर रिवर्स करना पड़ रहा है रिफंड के केस में, मैं वहीं लिख देता हूं जहां पे पहले लिखा हुआ है, यहां देखो हमने क्या किया था कि हम ग्रांट को या तो हमने उससे एक्सपेंस ही रिड्यूस कर दिया था या हमने उसे इनकम बना दी थी, दोनों केसेस में हमने बेसिकली अपना एक्सपेंस कम कर दिया था। अब आप इसको एक्सपेंस बना लो, अब आप करोगे P&L अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, रिफंड हो गया ग्रांट का।
ठीक है, अगर डेप्रिशिएबल एसेट के लिए मिला हुआ था और आपने अपने एसेट की वैल्यू उतने से कम कर दी थी, अब वापस उतने से बढ़ा दो। यहाँ पे हमने ये एंट्री की थी ना, ग्रांट को एडजस्ट कर दिया था एसेट के साथ। अब आप क्या करोगे, अब आप जीजी तो खैर खत्म ही हो गया, जीजी कहीं नहीं आएगा, एसेट की वैल्यू बढ़ा दो और ग्रांट वापस कर दो। अब आप कर दो एसेट अकाउंट डेबिटेड, वापस से वैल्यू बढ़ गई टू बैंक। बैंक तो क्रेडिट हो गई क्योंकि तुम पैसे वापस कर रहे हो, हर केस में बैंक में तो क्रेडिट होना है। तुम ये सोचो तुमने उस पैसे को एडजस्ट कहाँ किया था, जहां पे भी एडजस्ट किया था वापस उसी जगह को डेबिट कर दो। हमने इस यहाँ पे एसेट की वैल्यू कम की थी ना इस ग्रांट के अगेंस्ट, 100 करोड़ एसेट अब वापिस ही करना पड़ रहा है, तो मेरे लिए तो एसेट दोबारा 150 करोड़ जो मैंने कम किए थे वो वापिस हो गए। अब आगे से डेप्रिसिएशन जो वैल्यू पे एसेट पहुंच गया है उस पे फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ठीक है, अगर ऑप्शन टू फॉलो कर रहे थे तो फिर क्या करेंगे, देखो ऑप्शन टू में क्या होगा, कुछ अमाउंट आपके डीजीजी में पड़ा भी होगा क्योंकि आप डीजीजी पूरा पीएनएल में तो लेके ही नहीं गए थे, आप तो इसे धीरे धीरे राइट ऑफ कर रहे थे। जैसे 4 साल के बाद गवर्नमेंट ने बोला रिफंड कर दो, 4 साल के बाद तुमने देखा पूरा रिफंड तो पूरे 100 करोड़ का मांग रहे हैं, तो टू बैंक पूरा 100 करोड़, टू बैंक 100 करोड़। डीजीजी में तुमने देखा 100 नहीं होगा क्योंकि हर साल तुम धीरे धीरे पीएनएल में डाल भी तो रहे थे, तो डीजीजी में हमने देखा इसमें थे 75 करोड़, तो डीजीजी को तो रिवर्स करो 75 से, इसको खत्म कर दो। मुझे ये बात बताओ ये 75 हुआ कैसे, 25 कहाँ चले गए इसमें से, ये तो 100 था ना पूरा, 25 कहाँ गए? डेप्रिसिएशन जो डेप्रिसिएशन में अमर्टाइज कर रहे थे, जो पीएल में पी ट्रांसफर कर एंडल में रहे चले गए ना, कहाँ थे। गए हाँ ये तो ठीक है पी ठीक, एंड, तो यहाँ पे क्या डेबिट हो जाएगा फिर, पीएनएल पीएनएल पी एंडल, आप पी एंडल में क्रेडिट कर रहे थे ना डीजीजी को बार बार, हर साल पी एंडल में क्रेडिट कर रहे थे उसे, तो अब यहाँ पे जो बैलेंस है वो पी एंडल में गया, तो वापस पी एंडल को भी रिवर्स कर देंगे हम, समझे? यस सर। यहाँ पे क्या किया है, अगर यहाँ पे भी फिर वही हम पी एंडल में डाल रहे थे, डीजीजी क्रिएट करके पी एंडल में डाल रहे थे, जब गवर्नमेंट ने मांगा तो जितना डीजीजी में है डीजीजी डेबिट हो गया और जितना पी एंडल जो बैलेंस है वो पी एंडल डेबिट हो गया, सेम एंट्री। नो ऑब्लिगेशन के केस में अगर वापस मांग ले तो, नो ऑब्लिगेशन के केस में वापस मांग ले तो आप कैपिटल रिजर्व में डाल चुके थे, कैपिटल रिजर्व को डेबिट करके वापस कर दो, क्योंकि ये तो कहीं जा नहीं रहा ना, कैपिटल रिजर्व में ही पूरा अमाउंट पड़ा था, तो कैपिटल रिजर्व टू बैंक। ग्रांट रिफंड के केस में बस ये उल्टी एंट्रीज हो जाएंगी, और जो ये केस था काइंड वाला, काइंड के केस में तो जो एंट्री की थी उसे रिवर्स कर देंगे अगर हमें फ्री, वैसे रिफंड कैश का ही होगा, इन वालों का नहीं होगा। तो बस ये था AS12 गवर्नमेंट ग्रांट। AS10 बहुत लंबा था, देखो इसमें एक चीज ये भी है कि इसको हमने इस चार्ट की फॉर्म में किया, AS10 मैं आपको चार्ट दे दूंगा पर हमने उसे डिस्कस चार्ट की फॉर्म में नहीं किया था, हमने सब लिखा था। अब एक चीज मेरे को ये बताओ जो मैं कल भी पूछा था, ये बेटर है ऐसे करना या वैसे ही करना जो AS10 कराए कि एक एक चीज लिखें और फिर उसमें टाइम लगता है, जैसे भी तुम बोलो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर जैसे ही समझाए सही है, क्या ये वाला तरीका भी सही है सर, इसमें समझ भी आ गया प्रॉपरली सर। ठीक है, ये जो चार्ट है इसको, ये बुक में है, हर एएस का ऐसे ही चार्ट बुक में मिल जाएगा कि उस एएस में क्या क्या चीजें हैं। कुछ एएस के चार्ट्स बड़े होंगे, AS10 का ऑब्वियसली बड़ा होगा क्योंकि AS10 में कई, यहाँ तो 3 टॉपिक्स है, AS10 में कई सारे टॉपिक्स हैं, तो हम ऐसे ही करेंगे। अभी नेक्स्ट मैं बता दूंगा कौन सा AS होगा, आई थिंक नेक्स्ट हम AS16 कर लेंगे, इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, पहले हम कल इसके क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट AS पे जाएंगे। ठीक है, तो चलो बाय बाय टाटा, तब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, मैं आपको टाइम बता दूंगा। बाय सर। बाय।